हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। बड़ा मेक इट इजी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बेटा मैं आज लाइव आया हूँ। अगर आप किसी संस्थान से आईटीआई कर रहे हैं बेटा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, अब आप सीटीएस के अंतर्गत किसी भी ट्रेड में अगर आईटीआई कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है बेटा। जरूरी सूचना ये है कि इस सेशन से बेटा, इस सेवस सेशन से आपका जो है आईटीआई का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है बेटा। ये जानने के लिए, ये चेक करने के लिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे बेटा, मैं आपको बताऊंगा। शुरू से लास्ट तक मेरे साथ बने रहना बेटा। सबसे पहले गूगल में बेटा CSTARI, उससे पहले मैं आपको बता दूं CSTARI होता क्या है बेटा। CSTARI होता बेटा आपका क्या होता है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्थान है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत काम करता है। इसका काम होता है बेटा आपके जो आईटीआई के कोर्सेज हैं, जो आपके छोटे मोटे कोर्सेज हैं, जो स्किल प्रोवाइड करवाते हैं विभिन्न ट्रेडों के माध्यम से, उनके लिए सिलेबस डिजाइन करना और उनका एनएसक्यूएफ लेवल बनाना। किस लेवल का जो है वो कोर्स है, एनएसक्यूएफ होता है नेशनल क्वालिफिकेशन, एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये क्या करता है, लेवल क्वालिफिकेशन के हिसाब से लेवल प्रदान करता है हर एक ट्रेड को उसके हिसाब से। तो बेटा हम देखेंगे CSTARI क्या है। ये बेटा ये क्या है, ये एक संस्थान है जिसका ऑफिस जो है, आपका हेड ऑफिस जो है वो कोलकाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत बेटा काम करता है। CSTARI के फुल फॉर्म क्या है बेटा, सेंट्रल सेंट्रल स्टाफ स्टाफ ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनुसंधान भी करता है बेटा, रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका जो ऑफिस है बेटा ये कहां है आपका, ये आपका कोलकाता में, कोलकाता। ये बेटा आपका वेस्ट बंगाल में। इतनी चीज क्लियर होगी बेटा। कैसे सर्च करें, कैसे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, कैसे हम नया सिलेबस अपना डाउन करें, इसके लिए बेटा आप शुरू से लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। कुछ नहीं करना बेटा आपको, आपको गूगल सर्च करना है CSTARI CSTARI। जैसे ही आप CSTARI यहां पर टाइप करोगे बेटा, आपके पास सबसे ऊपर आ जाएगी, आपके पास जो वेबसाइट खुलेगी आपकी वो www.csTARI.kolkata.gov.in। मैं आपको पहले बता चुका हूं इसका जो हेड ऑफिस क्या है, वो कहां है बेटा, कोलकाता। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इसकी क्लिक करोगे, इसका जो है पेज खुलेगा आपको, इसका जो आपको पेज खुलेगा, लिखा है बेटा भारत सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग के अंडर बेटा ये काम करता है। केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देता है बेटा, रिसर्च भी करता है, सिलेबस करिकुलम को डिजाइन भी करता है, ये सब चीजें जो है इंस्टीट्यूट करता है। इसके बाद बेटा अगर मैं आपको बताऊं, इसके बाद आपको बताऊं, यहां पर बेटा एक नोटिस रेड कलर में आप देख रहे होंगे, चलता हुआ देख रहे होंगे साइट पे, एक रेड कलर का नोटिस यहां पर क्या है, यह बता रहा है बेटा कि आपका नए सेशन के लिए, आपका इस नए सेशन के लिए जुलाई से जो है आपका सिलेबस जो है चेंज कर दिया गया है। क्या लिखा है बेटा ये देखिए, आप खुद देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, न्यू CTS सिलेबस, CTS क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम, आईटीआई के अंतर्गत जो चलते हैं उनका सिलेबस इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1/9/2022 1 सितंबर 2022 से चेंज हो गया है, जो कि आपकी इस यहां पर अवेलेबल है, जो कि यहां पर अवेलेबल है। जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, आपको पूरा का पूरा जो है नेक्स्ट पेज खुलेगा, जहां से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करेंगे बेटा हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहां पर लिखा बेटा अवेलेबल एट क्लिक हियर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहां पर देखो बेटा एक पेज खुलेगा मेरे को, जहां पर मुझे सबसे ऊपर दिखा है, लिखा है लिस्ट ऑफ CTS कोर्स क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत किन किन ट्रेडों में जो है कोर्स प्रदान किया जाता है, किन किन ट्रेडों में जो है आपका कोर्स होते हैं, आपके वो कोर्स कौन कौन से हैं। क्योंकि यहां पर जो है बेटा CTS के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स हमारे बने हैं, CTS के अंदर बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, ठीक। और दो कैटेगरी में जनरली जो डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका
एक होता है आपका इंजीनियरिंग ट्रेड, एक होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। मैं अभी बात करूं अगर इंजीनियरिंग ट्रेड, सपोज मेरे को इंजीनियरिंग ट्रेड में, क्योंकि मेरी कोई ब्रांचेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो मैं इंजीनियरिंग ट्रेड सर्च करूंगा यहां पर। जैसे ही मैं इंजीनियरिंग ट्रेड यहां पर सर्च कर दूंगा सबमिट करके, वैसे ही सारी की सारी जो ट्रेड है मेरी, ये कौन सी इंजीनियरिंग ट्रेड है, ये सब खुल जाएगी। अब बेटा मुझे देखो, यहां पर सबसे पहले जो नाम है वो सेक्टर लिखा हुआ है, ये सारी की सारी जो ट्रेड है ये ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेटेड है, सारी की सारी ट्रेड जो है ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेटेड है। अगर आपको और देखना है, देखो इधर सेक्टर है बेटा, इधर उससे रिलेटेड ट्रेड है आपकी, ये देखिए कैपिटल गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग। सपोज फॉर एग्जांपल आपको फिटर का चेक करना है बेटा, ये देखो फिटर, मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा, फिटर जो है मेरा वो क्या है, कैपिटल गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ट्रेड है, कैपिटल एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड की आपकी क्या है, आपकी ट्रेड है। तो जैसे ही मैं यहां पर देखो फिटर बेटा, ये सारा का सारा ब्लैक कलर में है, लेकिन आप देखोगे जो ब्रांचेस है आपकी, जो ट्रेड्स हैं, वो किस कलर में, आपके ब्लू कलर में है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं बेटा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे को CITS का नया सिलेबस जो है बेटा मेरे सामने खुल जाएगा, और आपको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है यहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको ऐसे करूंगा बेटा, ये आपकी डाउनलोड हो गई नीचे, यहां देखिए थोड़ा सा देखते हैं बेटा, देखो ये खुल गया आपका नया सिलेबस, ये आपको नया सिलेबस खुल गया, लिखा हुआ बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, करिकुलम है आपके लिए, ये नया सिलेबस है आपका, किसके लिए, फिटर का बेटा, ड्यूरेशन 2 साल का बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिवाइज इन जुलाई 2022, जुलाई 2022 में रिवाइज कर दिया गया है सिलेबस को, नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है ऐड कर दी हो, बहुत सारी चीज जो है हटा दी गई हो, कुछ नया मटेरियल डाल दिया गया हो, ठीक, ये चीज हम अलग से डिस्कस करेंगे बेटा। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अब तक जो हम पुराने सिलेबस में हम देखते थे कि जो फिटर ब्रांच है या फिटर ट्रेड है, वो बेटा उसका जो लेवल था NSQF लेवल, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो लेवल था वो 5 होता था, लेकिन नए करिकुलम के हिसाब से, रिवाइज सिलेबस के हिसाब से जो कि जुलाई 2022 में कर दिया गया आपका, उसके हिसाब से बेटा आपका जो NSQF लेवल है वो 1 घटा दिया गया, अब बन गया आपका NSQ लेवल 1, कौन सा, 4। ये मापदंड है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके ट्रेड्स को एक मानक प्रदान करता है कि किस लेवल का ये कोर्स है। इसका बेटा ईयर से कोई लेना देना नहीं है, इसका ईयर से कोई लेना देना नहीं कि कितने साल का कोर्स है, ये उसका लेवल चेक करता है, कितनी क्वालिफिकेशन उस को ट्रेड को करने के बाद कितना जो है आपका स्किल्स और कितना क्वालिफाइड आदमी हो जाता है। ये बात मेरी क्लियर होगी। क्या क्या चेंज हुआ है बेटा, मैं बात करूं सपोज फॉर एग्जांपल अगर फिटर की बात करूं, हम फिटर को लेकर आएंगे, क्या क्या फिटर में ट्रेड में इस नए सिलेबस में चेंज हुआ है, इसके लिए हम एक नई वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ मैं आपके साथ आऊंगा। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, बने रहें। ओके, थैंक यू बेटा।